आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में उतना बढ़िया स्कोर नहीं आ रहा है। सेकेंड अटेम्प्ट के लिए भी हमारे पास टाइम कम बचा है, तो यहाँ पे आपको जो है स्मार्ट वर्क दिखाने की जरूरत है। स्मार्ट वर्क इन द सेंस कि अगर आप जो है हाई वेटेड चैप्टर्स पे यहाँ पे ज्यादा फोकस करेंगे तभी जाके आप एक बढ़िया स्कोर जो है सेकेंड अटेम्प्ट में ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे 5 टॉपिक्स बताना चाहता हूँ जो कि आपको 50 मार्क्स दिला सकते थे आपके जेईई मेंस पेपर में। और ये कोई ऐसे ही रैंडमली मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे हमने जो है एनालिसिस किया है आपके जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के 12 शिफ्ट्स का, तो हमें पता चला है कि कुछ आपके ऐसे मेजर टॉपिक्स थे जहां से अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयारी की होती, ठीक है, उनके कुछ सब टॉपिक से भी बार बार कॉन्सेप्ट जो है रिपीट हुए, तो अगर आपने ओवरऑल इनकी तैयारी अच्छे से की होती तो आप जो है ये स्कोर ला सकते थे। चलिए अब उन पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो हो जाता है वेक्टर्स एंड 3D। दोनों ही चैप्टर्स जो है काफी हद तक कनेक्टेड है, इसलिए इसको एक ही पूल में जो है रखा गया है। यहां से आपने देखा है कि कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में ही पूछे गए। 24 शिफ्ट 1 में आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन, देन 3 क्वेश्चन, 4, 3, और इस हिसाब से 3 या 4 हर शिफ्ट में देखे गए। तो टोटल जो है आपके 12 शिफ्ट में 41 क्वेश्चन आए थे सिर्फ वेक्टर्स एंड 3D से। और यहाँ पे हम एक चीज और नोटिस करेंगे कि 3D ज्योमेट्री का जो है वेटेज वो वेक्टर से ज्यादा था। तो अब जब आप रिवाइज कर रहे हैं चीजों को तो आपको ये ध्यान रखना है कि 3D ज्योमेट्री पे और ज्यादा फोकस करें, ठीक है, सारे फॉर्मूलेस पे अच्छे से नजर डालें, देन जो है वेक्टर्स पे मूव करें। और यहाँ पे अगर मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है 2 वेक्टर्स का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले थे उसकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। देन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन देखने को मिले। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, ये क्वेश्चन जो है ये बार बार रिपीट हो रहा था। और कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स थे जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जो हम 2D में फॉर्मूले पढ़ते हैं ना वही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं 3D में, तो वो रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स हो गया, एंगल बिटवीन लाइंस, रोटेशन ऑफ प्लेन, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, डायरेक्शन कोसाइन्स प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, तो ये सारे जो है ये कुछ कॉन्सेप्ट्स में आपके एक दो क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो यहाँ पे आपको एक जनरल आइडिया लग गया होगा कि वेक्टर्स 3D में आपको किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। अब अगले मेजर टॉपिक की अगर हम बात करें तो दैट इज फंक्शंस एंड AOD। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 3 या 4 क्वेश्चन जो है आपके हर शिफ्ट में पूछे गए। एंड 24 शिफ्ट 1 में तो ऐसा हुआ था कि 6 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे इस जो है बड़े टॉपिक से। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा जो है आपका मेजर और इंटीग्रल पार्ट हो जाता है डिफरेंशियल कैलकुलस का, तो इन पे जो है आपको अच्छे से फोकस करना है। और मैं सिर्फ AOD को भी इस कैटेगरी में डाल सकता था, लेकिन यार फंक्शंस के बिना आप AOD को इतना अच्छे से कर नहीं सकते, इसलिए इसे एक ही पूल में रखा गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो AOD का जो वेटेज है वो फंक्शन से ज्यादा है, ठीक है, मतलब ये देखने को मिला था कि AOD के ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। और उसमें भी आपके मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट कौन से हो जाते हैं, तो AOD से आपके एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। देन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, फिर आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा जिसमें लोकल और एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों ही टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, तो ये जो है आपके हाईली रिपीटेड कॉन्सेप्ट थे। देन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले, डोमेन ऑफ फंक्शन निकालने को पूछे गए, ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको स्मार्ट ट्रिक्स भी बता चुका हूँ, है ना, ऑप्शन एलिमिनेशन, तो वो भी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे, इजिली लग जाती। फिर 1-1, many-1, into-onto फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका कंपोजिट फंक्शन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब उसकी प्रॉपर्टी का कुछ यूज करके जो है हमें उन क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो ये सब जो है आया था। अब अगले मेजर टॉपिक की अगर हम बात करें तो दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर द कर्व्स। वैसे स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन में काफी डिफिकल्टी फेस करते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इतने सारे मेथड्स दिए, बट आपको ना उस पर भी अगर उतना ज्यादा आप फोकस नहीं करते, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज अच्छे से कर लेते तो भी आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और बाकी सब स्टैंडर्ड इंटीग्रल का आपको नॉलेज चाहिए था। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आप देख सकते हो 24 शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चन, फिर 3, फिर 2, फिर 3, तो ज्यादातर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन आपके पूछे ही गए, तो ये भी जो है दोनों टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हो गए थे। और यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल्स का जो वेटेज था वो एरिया अंडर द कर्व से ज्यादा ही था। प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन हमें काफी देखने को मिले, जैसे कि आपका किंग रूल हो गया, इवन ऑड वाली जो प्रॉपर्टी हो जाती है, ब्रेकिंग ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है ना, अपन अगर 0 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट करना है तो 0 से 2 तक या फिर 2 से 4 तक, तो ये वाला जो ब्रेक करते हैं ये आपका जो है प्रॉपर्टी। फिर डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिले मल्टीपल शिफ्ट्स में। देन स्टैंडर्ड एरिया अंडर द कर्व वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, बस सिंपली आपको एरिया कैलकुलेट करना है, 2 कर्व्स ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच का एरिया कितना बाउंड हो रहा है, तो उसमें डेफिनेट इंटीग्रल का भाई सिंपल सा फॉर्मूला लगना है ना, तो इसके लिए अगर आप PYQs भी कर लेते हो तो भी वो सफिशियंट है, उसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे प्री रिक्विजिट बस यही रहेगा कि आपको कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल की वैल्यू पता होनी चाहिए, उनका प्रोसीजर किस तरीके से करते हैं, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के वो बेसिक्स आपको बस क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ पे हम आगे बढ़े, इससे पहले मैं ये चीज आपको बताना चाहूंगा कि मैथ्स का पेपर आप देख रहे हो कि लगातार जो है लेंदी आ रहा है,
तो यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाते हैं कि आपकी स्पीड अच्छी हो। और आपने अगर हमारे जो है चैनल को अच्छे से फॉलो किया होगा तो आप जानते हैं कि हम कई सारे आपके लिए शॉर्ट ट्रिक वीडियोस भी लाते हैं जिसकी मदद से आप अपनी स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं। एंड इस शिफ्ट में भी जो है स्टूडेंट्स को ये मदद मिली कि यार उन्होंने क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व किया ताकि वो दूसरे क्वेश्चन को जो है टाइम दे पाए। तो इसलिए हमने आप सभी के लिए जो है मैथ्स रैंक बूस्टर कोर्स को जो है लॉन्च किया था। तो ये कोर्स में आपके सारे चैप्टर्स को एक तो स्मार्टली रिवाइज किया कराया गया है, साथ ही साथ इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाई गई है कि क्वेश्चंस को आप कैसे जल्दी अप्रोच कर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट्स यार मतलब बहुत अच्छा स्कोर नहीं ला पाए मैथ्स में एंड वो चाह रहे कि एक डिसेंट तक पहुंच जाए 50-60 तक, तो उन्हें ये कोर्स में जरूर एनरोल करना चाहिए। अब अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो दैट इज मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स से भी ये चीज देखी गई कि दो या तीन क्वेश्चंस आपको हर शिफ्ट में देखने को मिले। ये आपके सामने जो है लिस्ट है पूरी। और यहाँ पे अगर हम मेजर टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पे मैट्राइसिस का देखिए वेटेज जो है वो डिटर्मिनेंट से ज्यादा था। और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के तो भाई क्वेश्चन मान लो कि हर ही शिफ्ट में लगभग रिपीट हुए, आप कोई भी शिफ्ट का उठा के देख लो तो भाई ये पता ही होना चाहिए। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ये सब जो है पूरा अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स वाले क्वेश्चंस देखने को मिल गए थे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल गए थे। तो ये आपके जो है मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स में आ जाते हैं। इसके अलावा भी एक दो क्वेश्चन कहीं के देखे गए बट इन पे जो है आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब यहाँ पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो इससे भी जो है लगभग आपको दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिला, कुछ शिफ्ट में ही जो है एक एक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे ये टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अंदर जो है बेसिकली आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना रहता है, ठीक है ना, उसको सॉल्व करना रहता है। तो उसके लिए कुछ मेथड्स हो जाते हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला मेथड, देन होमोजेनियस इक्वेशन में जो है मेथड लगाते। तो ये टाइप के जो है आपके रिपीट होते हुए दिखे क्वेश्चन। और अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चन में आपको जो है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी थी, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिले। तो यहाँ ओवरऑल मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये सब टॉपिक से जो है ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। वैसे तो यार आपके पास देखिए, अगर ये मैं लिमिटेड टॉपिक्स बोल रहा हूँ तो इन्हें आपको ओवरऑल बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए, ठीक है। और वैसे आप जितना ज्यादा जो है मैक्सिमम सिलेबस करेंगे वो उतना ज्यादा बेटर है। तो एक बार मैं लास्ट में आपको समराइज करना चाहूंगा। वेक्टर्स एंड 3D से जो है हमें तीन या चार क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट के हमने जो एनालिसिस किया। एंड फंक्शंस एंड AOD से हमें तीन या चार क्वेश्चन देखने को मिले। डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर द कर्व से हमें दो या तीन क्वेश्चन देखने को मिले। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से लगभग हर शिफ्ट में दो क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन से हर शिफ्ट में लगभग दो क्वेश्चन। तो ओवरऑल आप देखें तो कम से कम सबका मिला के हम 13 क्वेश्चन तो जो है एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है ना। कहीं से अगर चार आ रहे तो कहीं से तीन आ रहे तो कहीं से तीन आएंगे, ऐसे करके जो है हमारे 13 क्वेश्चन जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और थोड़े बहुत चैप्टर्स जो है आप एक्स्ट्रा के कर सकते हैं ताकि आपको जो है सेफ्टी के लिए बने रहे कि किसी टॉपिक का अगर जो है वेटेज कम हो गया तो कम से कम आप वो करके जा रहे हैं। जैसे कि एक सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर था, वहां से भी एक और दो क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिले तो उसको आपने कर लिया, ठीक है। इसके अलावा मैथमेटिकल रीजनिंग से जो है हर एक शिफ्ट में एक आधा क्वेश्चन आता ही है, तो वो भी छोटा टॉपिक है तो उसको आप करके जा सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। बाकी आप जो है इन टॉपिक्स पे अच्छे से नजर डाल के जाए, क्योंकि अब हमने देखा ना कि शिफ्ट वन में जो है इनसे काफी ज्यादा जो है क्वेश्चन देखने को मिले, तो इन्हें बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि हम सिमिलर वीडियो जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री पे लाए तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें कि नेक्स्ट वीडियो जो है आप किससे रिलेटेड चाहेंगे। हम पूरा ट्राई करेंगे कि इस टाइप का जो है आपके लिए एनालिसिस लेके आए। तो होपफुली यार ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।